हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। देखिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए कर रहा हूँ साइंस में पदार्थों की प्रकृति और उत्प्रेरण से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन। और ये इस वीडियो का पार्ट 9 है। इसके पहले जो इस पे 8 वीडियो जो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, अगर आप उसे देखना चाहें तो उसका लिंक जो है आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जो है आप उसे देख सकते हैं। और ये वीडियो जो है आने वाले एग्जाम से रेलवे, RPF ग्रुप डी, SSC और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाली बेल आइकन है उसे भी ऑन कर दें, क्योंकि मैं डेली ऐसे 1 से 2 वीडियो अपलोड करता हूं जिसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, और इसके अलावा दोस्तों, अब मैं एक अन अकेडमी पर भी एजुकेटर हूँ, तो अन अकेडमी का जो लर्निंग ऐप है आप उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर, उसमें मेरा चैनल स्टडी और टारगेट सर्च कर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और इसका लिंक जो है आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो तत्व। ठीक है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ जो है तत्व कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो यौगिक। ठीक, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो यौगिक कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है, तो क्या बनता है? तो मिश्रण। ठीक, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से जो है मिश्रण बनता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? तो उपधातु। ठीक है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं तो उपधातु कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है, तो कौन जो है धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? तो लेड। ठीक, लेड जो है धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा पदार्थ प्राकृतिक में 3 अवस्थाओं में ठोस, द्रव और गैस में पाया जाता है, तो कौन सा पदार्थ जो है 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव और गैस में पाया जाता है? तो H2O। ठीक, H2 यानी जल जो है 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव और गैस में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक, तो कौन जो है न ही तत्व है और न ही यौगिक? तो वायु। ठीक, वायु जो है गैसों का मिश्रण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, पदार्थ के चतुर्थ अवस्था होता है, तो पदार्थ के चतुर्थ अवस्था कौन सा होता है? तो प्लाज्मा। ठीक, प्लाज्मा जो है पदार्थ का जो है चतुर्थ अवस्था होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर है, तो ब्लीचिंग पाउडर क्या है? तो यौगिक है। क्या है? यौगिक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, वायु यानी एयर है, तो वायु क्या है? तो गैसों का मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, बारूद होता है, तो बारूद क्या होता है? तो मिश्रण। ठीक, बारूद जो है मिश्रण होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, कोयला है, तो कोयला क्या है? तो तत्व है। ठीक, कोयला जो है तत्व है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, हीरा यानी डायमंड है, तो हीरा क्या है? तो तत्व है। ठीक, हीरा जो कि एक प्रकार का तत्व है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है,
यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो सर्वप्रथम जो है किसने कहा था, तो कणाद ने, किसने, कणाद ने कहा था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? तो कौन जो है एक तत्व है, तो हीरा, ठीक, हीरा जो है एक तत्व है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को डैश करता है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को जो है क्या करता है, तो परिवर्तित करता है, क्या करता है, परिवर्तित करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट की खोज किसने की थी? तो उत्प्रेरक की खोज जो है किसके द्वारा किया गया था, तो बर्जीलियस के द्वारा, किसके द्वारा, बर्जीलियस के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान होती है तो उत्प्रेरक कहलाता है। तो उत्प्रेरक क्या कहलाता है, तो समांग उत्प्रेरक कहलाता है, क्या कहलाता है, समांग उत्प्रेरक कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग होती है तो उत्प्रेरक कहलाता है। तो उत्प्रेरक क्या कहलाता है, तो विषमांग उत्प्रेरक कहलाता है, क्या कहलाता है, विषमांग उत्प्रेरक कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि किसी क्रिया में कोई उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, तो स्व उत्प्रेरक कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्व उत्प्रेरक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्प्रेरक विष यानी कैटलिस्टिक पॉइजन होता है। तो उत्प्रेरक विष क्या होता है, तो क्रिया निरोधक होता है, क्या होता है, क्रिया निरोधक होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन जैविक उत्प्रेरक यानी बायो कैटलिस्ट है? तो कौन जो है जैविक उत्प्रेरक है, तो एंजाइम, ठीक, एंजाइम जो है जैविक उत्प्रेरक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की संपर्क विधि में पीटी उत्प्रेरक के लिए कौन सा पदार्थ विष का कार्य करता है? तो कौन सा पदार्थ जो है पीटी उत्प्रेरक यानी पॉजिटिव उत्प्रेरक के लिए जो है कौन सा पदार्थ जो है विष का कार्य करता है? तो आर्सेनिक सल्फाइड, ठीक, आर्सेनिक सल्फाइड जो है पीटी उत्प्रेरक के लिए जो है विष का कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से किस प्रकार के तत्व उत्तम उत्प्रेरक सिद्ध होते हैं? तो किस प्रकार के तत्व जो है उत्तम उत्प्रेरक सिद्ध होते हैं? तो संक्रमण तत्व, ठीक, संक्रमण तत्व जो है उत्तम उत्प्रेरक सिद्ध होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर से, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है? तो तेलों के हाइड्रोजनीकरण में जो है प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है? तो एनआई है, कौन सा है, एनआई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है, सीसा कश प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो सीसा कश प्रक्रम में जो है उत्प्रेरक के रूप में जो है कौन प्रयुक्त होता है? तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ठीक, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है प्रयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है? तो कौन सा एंजाइम जो है ग्लूकोज को जो है एल्कोहल में परिवर्तित करता है? तो जाइमेस, ठीक, जाइमेस जो है ग्लूकोज को जो है एल्कोहल में परिवर्तित करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो उत्प्रेरक के रूप में जो है कौन सा प्रयुक्त होता है? तो प्लेटिनम चूर्ण, ठीक, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के संपर्क विधि में जो है उत्प्रेरक के रूप में जो है प्लेटिनम चूर्ण जो है प्रयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो उत्प्रेरक के रूप में जो है कौन सा प्रयुक्त होता है? तो क्यूप्रिक क्लोराइड, ठीक, क्यूप्रिक क्लोराइड जो है क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में जो है उत्प्रेरक के रूप में जो है प्रयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
और लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है, अमोनिया उत्पादन की हैबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करता है, तो उत्प्रेरक वर्धक के रूप में जो है कौन सा कार्य करता है, तो मोलिब्डेनम। ठीक, मोलिब्डेनम जो है उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करता है, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे दोस्तों, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो छह आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। आप बस वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।